सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर हम डालेंगे एक कप सांबर दाल। मगर उससे पहले मैं आपको बताना तो भूल ही गया कि आज हम क्या बनाएंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सांबर, और वो पंजाबी स्टाइल सांबर है जो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा। आज हम साउथ इंडियन स्टाइल नहीं बनाएंगे, और जो बेसिक डिफरेंस जो दोनों में होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस दाल को अच्छी तरह से पानी से धोइए 2 से 3 बार। तो इस दाल को तब तक धोइए जब तक ये दाल अच्छी तरह से साफ नहीं हो जाए, और मेरे ख्याल से इसको 2 से 3 बार अच्छी तरह से धोएंगे तो ये जो पीलापन इसमें आता है ये सारा पीलापन साफ हो जाएगा। ये जो सांबर दाल है इसको तूर दाल भी बोलते हैं, इसको अच्छी तरह से साफ करिए। तो दाल हमने अच्छी तरह से मसल मसल के साफ कर ली है, और ये अच्छी तरह से साफ हो चुकी है। सबसे पहले लेंगे कुकर, और कुकर के अंदर जो हमने दाल धोई थी उसको सबको ट्रांसफर कर लेंगे। तो दाल सारी ट्रांसफर हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे वो हम लेंगे 3 कप पानी। दाल हमारी 1 कप थी तो पानी उससे 3 गुना होगा। किया गैस पे, और नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे फटाफट इसके अंदर डालेंगे ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून नमक, टीस्पून 1/4 टीस्पून है हल्दी जो हम इसमें ऐड करेंगे, बहुत अच्छा कलर देती है। 4 से 5 सीटियां बजवाएंगे इसकी, और तब तक जब तक ये सीटियां बज रही हैं हम बनाएंगे इसका मसाला। 4 से 5 सीटियों के बाद जल्दी से आपको मिलेगा। तो सबसे पहले एक लेंगे पैन, और पैन में सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल। तो हमें कम से कम 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालना है, ऑयल थोड़ा खुला ही डलता है इसमें। हम डालेंगे राई, राई डालनी है ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून। तो राई फूटने लग गई है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम इसमें डालेंगे वो है मेथी दाना। मेथी दाना बहुत अच्छा फ्लेवर देता है सांभर में। ये हमने डाली है ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून, और नेक्स्ट डाला है हमने इसमें कड़ी पत्ता, सांभर की जान। जल्दी से इसे मिक्स करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हम इसके अंदर डालेंगे हींग, हींग डालेंगे ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें अनियन, तो ये छोटे 2 अनियन है, अगर बड़ा अनियन हो तो एक ही प्याज डाल के काम बन जाएगा। तो गाइज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डालने भूल गया था, वो है साबुत लाल मिर्च। ये जरूर डालिएगा, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। तो ये प्याज डालने से पहले डालना है, याद रखना। सेकेंड मेन इंग्रेडिएंट है ड्रमस्टिक्स। अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो डालिए, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल है सिर्फ वो ही यूज करिएगा। तो ये है मूली, रेडिश, ये भी ऑलमोस्ट मैंने थोड़ी सी डाली है, मतलब छोटी रेडिश। और उसके बाद डालेंगे हम गाजर, कैरेट्स छोटा छोटा डाइस काट के डालें। और नेक्स्ट स्टेप मैं डाल रहा हूँ बीन्स, थोड़ी सी बीन्स भी डाल दीजिए। तो ये ऐसा कुछ ऑब्वियस नहीं है कि यही वाली सारी वेजिटेबल्स डालनी है, जो आपके पास अवेलेबल है वो डालिए। अगर कुछ बीच में मिस भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सबका अपना टेस्ट होता है, जिसको जो वेजिटेबल अच्छी लगती है वो डाल सकते हैं। तो इसके अंदर कद्दू बैंगन भी डाल लेते हैं, बट हम अभी वो यूज़ भी नहीं कर रहे, और दूसरी बात मेरे को वो अच्छा भी नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने वो नहीं डाला। जो टमाटर है वो मैंने थोड़ा सा रुक के डालूंगा इसके अंदर, 1 से 2 मिनट रुक के, जब तक ये थोड़ी सी सब्जियां घुल जाएंगी, और उसके बाद टमाटर डालेंगे। रेसिपी बहुत अमेजिंग होने वाली है गाइस, और अभी तक अगर आपने मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट जाइए और मेरी रेसिपीज को चेक करिए और मुझे फॉलो करिए। नीचे मेरा लिंक आ रहा होगा इंस्टाग्राम आईडी का, तो जल्दी जाइए और फटाफट वहां पर मुझे जाके फॉलो करिए। बहुत अमेजिंग अमेजिंग रेसिपीज लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए, और मुझे ऑलमोस्ट 3 महीने से ऊपर हो गया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़, अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। जो मैं आज आपके लिए सांभर बना रहा हूँ ये है पंजाबी स्टाइल। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था क्या डिफरेंस होगा दोनों के अंदर, वो मेरे को आपको अब बताना है। तो जो डिफरेंस है दोनों में वो ये है, जो पंजाबी वाला सांभर होता है वो थोड़ा सा चटपटा होता है, और जो साउथ इंडियन स्टाइल होगा वो थोड़ा सा आपको खट्टा मीठा दिखेगा। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे नमक, ये स्वाद अनुसार नहीं बोल रहा मैं, ये ऑलमोस्ट हम 1/2 टीस्पून डाल रहे हैं।
जो एडजस्टमेंट्स करनी होंगी वो आगे जाके रेसिपी में कर लेंगे, जो नमक कम होगा ज्यादा होगा वो हम बाद में भी कर सकते हैं। बात नमक हम पहले दाल में भी डाल चुके हैं तो हम उसी हिसाब से डाल रहे हैं, अगर कम है तो उसका इलाज है, ज्यादा का कोई इलाज नहीं है। दूसरा स्टेप हम इसके अंदर डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च पहली चीज ये बहुत अच्छा कलर देती है और दूसरा ये ज्यादा स्पाइसी भी नहीं करती। ये हमने ऑलमोस्ट डाली है वन टीस्पून नॉट टेबल स्पून, तो ध्यान रखिएगा टेबल स्पून बहुत ज्यादा हो जाता है। और हल्की सी हल्दी डालेंगे तो ये लगभग 1/4 टीस्पून हो गया, क्योंकि हमने हल्दी भी उसमें डाल रखी है। और इसके अंदर हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो है जल्दी से हम इसमें पानी डालेंगे, तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी डाल लिया गाइस, हम पानी डालेंगे इसके अंदर 1 से 1.5 कप और इसको ढक के एटलीस्ट 4 से 5 मिनट के लिए हम गैस पे रख देंगे, जिससे ये अच्छी तरह से पकेगी। देखिए अंदर हमारी सब्जियां कैसे पक रही हैं, 4 से 5 मिनट के लिए हम अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं और हमारी सब्जियां अच्छी तरह से पकनी स्टार्ट हो गई हैं। पानी डालने का यही मतलब था कि सब्जियां थोड़ी सी पक जाती हैं उससे। अभी हम इसको फिर से 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, क्योंकि अभी ये अच्छी तरह से नहीं हुई है, और तब तक हम अपनी तूर दाल को देखेंगे जो हमने बॉईल करके रखी है। लुक एट दैट यार, कितना अच्छा तरह से पक रहा है। तो ये सब्जियां ऑलमोस्ट 80% हम पका चुके हैं, अच्छी तरह से नहीं पकानी, और एस्टिमेटेड टाइम हमने लिया है जो 5 से 8 मिनट। ठीक है, अब ये जो टाइम है इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर 1 से 1.5 टमाटर आप इसके अंदर डालिए। तो इसके बाद टमाटर को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऐसे पकाने का एक ही रीजन है कि अगर हम ऐसे पकाएंगे इसके अंदर ना क्रंच रहता है। अगर हम ऐसे नहीं पकाना चाहते और हमारे पास टाइम की कमी है तो हम एक साथ कुकर के अंदर सीटी लगवा के भी जल्दी से इसे पका सकते हैं। इस तरह से पकाइए तो क्रंच ज्यादा रहेगा। जो अगला स्टेप है वो हम इसके अंदर डालेंगे सांभर मसाला, जो डालने हैं 2 बड़े चम्मच, तो दैट मीन्स 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर सांभर मसाला डालेंगे, जो है सांभर की जान है। सांभर मसाले को करेंगे फटाफट मिक्स। और सब्जी ऐसे मैंने आपको बताई है कि 80% ही होनी चाहिए, अच्छी तरह से पकानी नहीं है क्योंकि बाद में हमें दाल के साथ भी पकानी है सब्जी। तो चलिए दाल की तरफ, दाल भी ठंडी हो चुकी है और इसे खोल के देखते हैं। तो दाल हमें लग रहा है ऑलमोस्ट हमारी तैयार हो ही चुकी है। तो दाल हमारी पक के तैयार हो चुकी है और ये दाल थोड़ी सी थिक है, तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो डालते हैं थोड़ा सा पानी, ऑलमोस्ट 1/2 कप से 1 कप। तो पानी हो चुका है ऐड, इसको रखते हैं साइड पे और हम करेंगे अब इसको फटाफट मिक्स। तो हम डालेंगे इसके अंदर इमली का पल्प। ऐसी कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है इसकी कि इमली का पल्प कितना डालना है, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। वाओ लुक एट दैट, कितना अच्छा लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है सांभर मसाले की। लग रहा है आज बहुत अच्छा ही वाला सांभर बनने वाला है, बहुत ही बेहतरीन। और जल्दी से हम करेंगे अपनी दाल ऐड, जो हमने ऑलरेडी बॉईल कर चुके हैं हम। तो सारी दाल को कर दिया है हमने ऐड और आज कुछ गजब ही सांभर बनने वाला है। तो देखते हैं अब सांभर को क्या कलर आया है, उबाले मार रहा है सांभर और बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। अच्छा गाइस, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इसके अंदर मैंने टेस्ट जो हम खाते हैं वो थोड़ा सा चटपटा खाते हैं, तो मैंने इसके अंदर सांभर मसाला 1 चम्मच और नमक थोड़ा सा डाला है, नियरली अबाउट 1/2 टीस्पून, और 1/2 चम्मच मैंने इसमें हल्की सी लाल मिर्च भी डाली है अपना टेस्ट एडजस्ट करने के लिए। आप प्लीज़ अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और अब हम डालेंगे इसके ऊपर मेरा फेवरेट धनिया। नाउ अब ये भी ऑप्शनली है, पंजाबी हूँ, धनिया डाल के ही टेस्ट आता है मेरे को, तो मैं डाल रहा हूँ। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप मत डालिएगा, मगर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। धनिया किसी भी चीज़ में डालिए, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जैसे बोलते हैं ना, धनिया सब्जी का दिल होता है, तो ये दिल ही है। और साथ ही साथ कलर भी बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर डालें और इन्जॉय करें ये बढ़िया सी रेसिपी। तो सांभर बन के रेडी हो चुका है, जल्दी से करते हैं इसकी प्लेटिंग।